GitHub कैंपस एक्सपर्ट की जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक होना ही चाहिए। तो इस वीडियो से पहले जो वीडियो आई थी इस पर्टिकुलर चैनल पे, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे आपको GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक मिलेगा। उससे रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में बताई है, तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिगार्डिंग एक चीज ये कि इस वीडियो के लिए मैंने काफी रिसोर्सेज से पढ़ के बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में डेटा प्रेजेंट किया है आपके सामने। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो, एंड सेकंड थिंग मैं आपको बताऊंगा GitHub कैंपस एक्सपर्ट का पूरा कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है, तो उसे जरूर समझ लेना अगर आपको GitHub कैंपस एक्सपर्ट बनना है तो। एंड लास्ट थिंग मैं आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्म फिल करने का करेक्ट प्रोसीजर क्या है, तो वैसे ही फॉर्म को फिल करना। तो ये बेसिक तीन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ये पर्टिकुलर वीडियो होगी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो यार अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स वही है जो मैंने आपको बताई, आपके पास GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। एंड यार जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड होने चाहिए। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी ग्रेजुएशन में एक साल कम से कम बचा होना चाहिए, मतलब आप सेकंड ईयर में होने चाहिए, थर्ड ईयर में होने चाहिए, फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, मतलब जितने भी साल की आपकी ग्रेजुएशन हो उसमें एक साल बचा होना चाहिए। एंड यार फोर्थ रिक्वायरमेंट ये है कि आपका GitHub अकाउंट होना चाहिए जो 6 महीने पुराना हो, मतलब 6 महीने पहले बना हो, ठीक है, जिसपे आपने थोड़ा काम किया हो। एंड यार ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि आपके GitHub अकाउंट 6 महीने पहले बना होना चाहिए। और मैं आपसे रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपने थोड़ा काम किया होगा उस पे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, मतलब अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में तो वो थोड़ा बेटर होगा। सो यार ये सारे पॉइंट्स थे रिक्वायरमेंट्स को लेके। अब बात करते हैं इस पूरे प्रोग्राम का प्रोसीजर क्या है। सो यार इस प्रोग्राम के प्रोसीजर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए 2 बार अप्लाई कर सकते हैं साल में, एक बार फेब में इसके फॉर्म्स ओपन होते हैं और दूसरी बार अभी अगस्त में ओपन होते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इसमें सबसे पहले फॉर्म आते हैं, मतलब एक फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है, उसके बाद आपके पास ईमेल आता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो फिर आपसे कहते हैं कि इसमें एक वीडियो बनाकर मुझे भेजो। वीडियो की लेंथ होनी चाहिए 5 मिनट की, और फॉर्म में ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वीडियो में क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सो आप यहां से इस चीज को चेक कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो कंसिस्ट करता है 2 सेक्शन का। पहले सेक्शन में होता है फॉर्म के लिए और दूसरा सेक्शन होता है वीडियो के लिए, ठीक है। तो फॉर्म में क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये आप चेक कर सकते हैं। वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स टू टेल अस अबाउट द चैलेंजेस देयर स्टूडेंट कम्युनिटी फेसेस, व्हाट अपॉर्चुनिटीज दे वांट टू बिल्ड फॉर देयर पीयर्स एज वेल एज द पोटेंशियल दे सी फॉर ग्रोथ, ठीक है। सो इन तीनों पॉइंट्स पर आपको मेनली फोकस करना होगा जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तब। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपके पास मेल आता है, उसमें फिर आपको वीडियो बनानी होती है, तो वीडियो में आपको मेनली फोकस करना होता है। वी आर होपिंग टू गेट टू नो यू बेटर एज ए पर्सन इंक्लूडिंग योर मोटिवेशंस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो मेन फोकस यही है कि अगर आपने फॉर्म सही से फिल कर दिया तो मतलब 90% आपका सिलेक्शन हो गया। और थर्ड पॉइंट वही है कि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की क्या है, ठीक है। उसके 2 वीक बाद आपके पास मेल आता है रिगार्डिंग वीडियो के लिए, अगर आप सेलेक्ट हुए तो तब आपको वीडियो बनाकर देनी होती है। सर ये मेनली 3 पॉइंट्स थे प्रोसीजर से रिगार्डिंग। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं उनकी साइट से कैसा क्या प्रोसीजर है पूरा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो, क्योंकि जितना अच्छे से आपको ये चीज पता होगी उतने अच्छे से आप फॉर्म में ये सारी चीजों को लिख पाएंगे, ठीक है, और अपने थॉट्स को उसके अकॉर्डिंग समझा पाएंगे फॉर्म में। सो ये यार मेनली GitHub की एजुकेशन की साइट है, ठीक है, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे जब हम लोग को फॉर्म फिल करना होगा। उससे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। ये सारे बेनिफिट्स हैं यार इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग। इससे आपको लीड करने का मौका मिलता है, ग्रो करते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ता है, उसके साथ साथ आपको स्वैग्स भी मिलते हैं, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और उसके साथ साथ आप कनेक्ट भी कर सकते हैं पीयर्स के साथ। और अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ये बेसिक चीज है, सबसे पहली चीज ये कि आपके पास GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक होना चाहिए। सेकंड थिंग ये कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, वो मैं अभी आपको फिल करके दिखाऊंगा। थर्ड थिंग, अगर आपका एप्लीकेशन फिल हो गया उसके 2 वीक बाद आपके पास मेल आता है जिसमें आपको वीडियो रिज्यूम फिल करने को कहते हैं। एक वीडियो बेसिकली आपको बनानी होती है 5 मिनट की अपनी, ठीक है, और उसमें आपको बेसिक चीजें बतानी होंगी, कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने अभी आपको समझा दिए हैं। सो फॉर्म एंड वीडियो को देने के बाद उसके बाद आपका वेलकम टू द प्रोग्राम होता है, ठीक है, बट उसके बाद भी मेन चीज नहीं होती, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। यू हैव बीन एक्सेप्टेड टू द प्रोग्राम, यू विल ग्रो थ्रू द GitHub कैंपस एक्सपर्ट ट्रेनिंग। द ट्रेनिंग हैज 6 मॉड्यूल्स एंड टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट इन स्पैम ऑफ 6 वीक, ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। उसके बाद आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग यू विल सबमिट अ कम्युनिटी प्रपोजल दैट विल सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर योर कम्युनिटी एंड यू विल बिकम अ GitHub कैंपस एक्सपर्ट। तब आप GitHub कैंपस एक्सपर्ट बनते हैं अपने पर्टिकुलर कॉलेज से। तो ये बहुत अच्छी चीज है, पहले फॉर्म फिल करना है, फिर वीडियो, उसके बाद ट्रेनिंग होगी GitHub कैंपस की, उसके बाद आप फिर GitHub कैंपस एक्सपर्ट बनते हैं
करते हैं कम्युनिटी प्रपोजल को देने के बाद। सो ऐसा कुछ प्लान होता है और उसके बाद आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इंडिया से काफी लोग बने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट डेट क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की एंड फॉर्म को कैसे फिल करना है। अगर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो लास्ट डेट है वो 29 अगस्त है, ठीक है। तो ये पैसिफिक टाइम में है, तो इंडिया का टाइम पैसिफिक टाइम से 12 घंटे आगे होता है, ठीक है। तो इसको समझ लो कि 30 तारीख को सुबह 10 बजे तक आपको फिल करना होगा। उसके साथ साथ इस ब्लॉग की मैं आपको लिंक दे दूंगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिगार्डिंग, ठीक है। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, मैंने आपको शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। बट अगर आपको डीप में पढ़ना हो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यार एक ये और ब्लॉग है, उनकी साइट से मुझे मिला, जिसमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में लिखा है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद ये ऑथराइज के लिए कहेगा, तो उसको ऑथराइज कर देना, इस पर क्लिक कर देना। और ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो मैंने आपको बता दी है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यार अगर आपके पास गिटहब डेवलपर पैक नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने एक नए अकाउंट से मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक है, बट मैं एक ये नए अकाउंट से फिल कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो गेट द पैक ये कहेगा, इस पर क्लिक करना और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसको चेक करके अपना गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक ले लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक आ जाएगा, उसके बाद फॉर्म को कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो यार अब मैंने अपने अकाउंट से लॉग इन कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे फिल करना है इस फॉर्म को। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका गिटहब का हो। उसके बाद आपको यहाँ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट फिल करनी है, जो भी आप डिग्री कर रहे हो उसकी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट। और फिर आपको अपने यहाँ कंट्री सेलेक्ट करनी है, जहाँ पर आपका कॉलेज लोकेटेड है या स्कूल लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी डिग्री का यहाँ नाम फिल करना है, व्हाट डिग्री आर यू स्टडीइंग में, बीटेक हो या कोई भी डिग्री हो उसको आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है, तो उनको ध्यान से समझना, ठीक है। अबाउट यू एंड योर कम्युनिटी, ब्रीफली डिस्क्राइब योर कम्युनिटी, ये मेन तीन पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको बताना है अपनी कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। और जो इसमें आंसर लिखना वो इन्हीं तीनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग लिखना, और सही से लिखना सोच कर, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम आपको लगेगा, बट जितना अच्छा आप आंसर लिखेंगे उतनी चांसेस आपकी बढ़ जाएंगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में होने की। और यार इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके बताना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ विल द कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम इनेबल यू टू सपोर्ट योर लोकल कम्युनिटी बेटर। इसमें भी यार 1600 कैरेक्टर्स लिखने आपको, तो इसका भी ध्यान से सोच के आराम से लिखना, ठीक है। बस थोड़े अपने क्रिएटिव माइंड को निकालना और अच्छे से चीजों को लिखना, समझाना अच्छे से, ठीक है। बस मैं एक टिप देना चाहूंगा कि कहीं से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, उससे कुछ नहीं होगा यार, अपने मन से लिखना। जितना जेन्युइन लिखोगे उतनी चांसेस आपकी बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में होने की। और थर्ड क्वेश्चन ये, व्हाई कम्युनिटी लीडर्स शुड स्ट्राइव टू बिल्ड डाइवर्स एंड इंक्लूसिव स्पेसेस। तो इसका भी आपको आंसर लिखना पड़ेगा, उसी तरह तीनों में 1600 कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो एक बार बैठ के आराम से ये 4-5 घंटे में कर लेना, इसमें टाइम लगेगा और डिपेंड करता है जितना अच्छा आपका आंसर होगा उतना ज्यादा आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में होने की। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद आपको ये बताना है कि इन सब में से किसी प्रोग्राम में अगर आप हैं कि नहीं, ठीक है। और यार इन सारे प्रोग्राम्स को चेक करना, किसी पर भी अगर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्योंकि इनमें से बहुत से प्रोग्राम है जिनमें मैं हो चुका हूँ, ठीक है, तो मैं उनमें अच्छे से आपको समझा दूंगा। बाकी अगर किसी के बारे में नहीं पता होगा तो मैं पता करके आपको बता दूंगा, तो मुझे बताना अगर किसी के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हो तो। उसके बाद इन सारे बॉक्सेस को चेक इन करना और कहां से प्रोग्राम को सुना उसमें किसी भी चीज को सेलेक्ट कर लेना और फिर अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। उसके 2 वीक के बाद आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं। मेन चीज जो डिपेंड करती है वो ये तीनों बॉक्सेज हैं, इनको जितना अच्छा लिखोगे उतने सेलेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सो यार ये अपनी पर्टिकुलर वीडियो थी, आई होप मैंने आपको सब कुछ क्लियरली समझा दिया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब चलते हैं।